मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्वेश्चन टू माई ओन सेल्फ, तू किसी की क्या मदद कर सकता है? क्यों तुमने ये चमेला लिया अपने सिर पर? मुझे अपनी पर्सनल जात के लिए तो कोई जरूरत नहीं। लड़का मेरा 2800 लेता है, बहू मेरी 101,000 लेती है मंथली, मेरा अपना मकान है, फिर भी मैं ये काम करता हूँ, मंदिर बनाया हुआ है, सोचता हूँ क्या मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। हाँ, कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी साधु की संगत से अपराध कर जाते, कोटन अपराध कर जाते हैं। अपराध किसे कहते हैं? गलती को। मैंने को कसूर किया आपके, जिससे आपको तकलीफ हुई, तो मैं कहूंगा मुझे माफ कर देना जी, मैं मुझसे अपराध हो गया, ये मुझसे गलती हो गई। तो मैं अगर कर कुछ कर सकता हूँ तो जो हम गलतियां खाते हैं वो बता सकता हूँ, या गुड विशेष दे सकता हूँ, वो भी उनको फायदा पहुंचता है जो रेसिपेंट होते हैं। जो रेसिपेंट नहीं है उनको मेरी गुड विशेष भी कोई मदद नहीं कर सकती। सवाल मेरे अंदर पैदा होता है कि किस काम के लिए दुनिया में आया था। मैं बचपन से राम को मिलने निकला था, 7 साल की उम्र कि मेरा भगवान कहाँ है। उस वक्त तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्यों भगवान को याद करता हूँ, मगर अब महसूस करता हूँ। छोटी उम्र में गरीबी थी, बाप की तबीयत बहुत सख्त थी, कोई नुकसान जरा भी गलती हुई तो मार पड़ी। उन बातों से तंग होकर, चूंकि ब्राह्मण खानदान में पैदा होने के ये सुना हुआ था कि राम मदद करता है, राम को मिल जाए, तो मैंने ये काम किया। अब मैं इस दर्जे पर आ गया कि मुझे राम का पता रह गया, मगर राम का पता करने से पहले जो शरायत हैं वो जरूर आदमी को करनी चाहिए। वो क्या शरायत हैं? पढ़ो कबीर साहब की बाणी। संत कहते हैं कि ऐ इंसान, जिसकी जो त्राट करता है वो तेरे अंतर है, मगर वो तब मिलेगा तुमको जब तुम ये शर्तें पूरी करोगे। कर लेनी इंतजार, कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ बिसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है। ये है शर्त। जब तक इंसान काम क्रोध को नहीं मिटाता अपने दिल से, शील और क्षमा को नहीं समझता, क्या क्या शर्त है? काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, ओ ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा। वो कहते हैं जब तक पहले ये शर्तें तुम नहीं करते, तुम लाख किसी से नाम ले लो, 50 कान में उंगलियां डाल के बैठ जाओ, तुमको कोई फायदा नहीं होगा। यही वजह है कि लाखों करोड़ों सत्संगी हैं, नो वन इज सेटिस्फाइड।
क्योंकि वो ये शर्तें पूरी नहीं करती। जिस चीज की हम तलाश करते हैं वो हमारे अपने पास है, हमारे अंतर में है, बाहर नहीं, मगर उसके हासिल करने के लिए ये शर्तें जरूरी हैं। अब यहाँ हजारों आदमियों ने नाम लिए हुए हैं, ब्यास के सत्संग हुए तो, जो कृपाल सिंह के हुए तो, जो होशियारपुर के हुए तो, जो आगरे के हुए तो, क्या उन्होंने ये शर्तें पूरी की हैं? अगर नहीं की तो फिर वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको उस राम के या उस चीज की जिसकी इंसान के अंदर कुरीद है वो मिल जाए? नहीं मिल सकता, है वो हमारे अंदर कबीर के कहने के मुताबिक, मगर ये शर्तें हैं। इस वास्ते कोई बात रूहानियत की ऐसे शख्सों के साथ करना जिनके पास ये शर्तें नहीं है, एक्स्ट्रा फूलिशनेस है। जिस तरह बंजर जमीन में बीज डाल दिया जाए तो वहां पैदा नहीं होता, ऐसे ही जो नाम हमको लोग ये गुरु लोग दे देते हैं और वो आदमी जो जिनको नाम दिया जाता है वो शर्तें पूरी नहीं करते, ये एक शर्त है। पहले कबीर साहब ने ये कहा है क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। फिर अंदर कहाँ है? दूसरे शब्द में कहते हैं वो तुम्हारे मन के अंदर है, पर दूसरे शब्द इसके आगे है, दूसरा शब्द है उसके आगे ये कारण नो दीदार यह पिंड से न्यारा है। ये वो कहते हैं उस मालिक को, पहले तो ये शर्त रखी कि तुम्हारे अंतर में है, ये शर्तें मंजूर करो। अगर ये मंजूर कर ली तो फिर वो कहते हैं भाई वो तुम्हारे मन के अंतर रहता है, इसकी तुम तलाश करते हो, वो तुम्हारे मन के अंतर रहता है, मगर उसके लिए भी शर्तें हैं। क्या? तू हृदय सोच विचार यह अंड मंझारा है, वो तुम्हारे मन में रहता है। हाँ। चोरी जारी निंदा चारो ये मिथ्या ताज सत गुर सिर धारो, वो कहते हैं बैठ जाओ माता जी, जगह थोड़ी थी। वो कहते हैं चोरी यारी, चोरी जारी निंदा चारो मिथ्या ताज सत गुरु सिर धारो, यानी जब तुम पहली शर्त मंजूर कर लोगे, अंदर जाओगे, फिर वो कहते हैं सतगुरु को अपने अंदर रखो। अब मगर शर्तें क्या है? चोरी यारी और दूसरों की निंदा को छोड़ना, ये इंसान की ड्यूटी है। जो आदमी ऐसा नहीं करता, बेशक वो नाम ले ले, ब्यास से ले ले, आगरे से ले ले, जहां से मर्जी ले ले, वो उस मंदिर पर तक नहीं पहुंच सकता। आगे सत्संग कर सतनाम उचारो तब सन्मुख लहो दीदारा है, ये शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जिस मालिक की, जिस चीज की तुम तलाश करते हो वो तुम्हारे अपने अंतर है, उसमें अंतर जाने से पहले क्या क्या काम करने पड़ते हैं? पहले पर कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, हमारे जिस्म के अंदर है। आगे काम क्रोध मद लोभ बिसारो सील संतोष सीमा सत धारो मद मांस मिथ्या तज डारो हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। पहला नाम तो ये है, मैं नाम किसी को नहीं देता जिसने दूसरे गुरु देते हैं।
मैं सिर्फ सत्संग कराती हूँ। मेरा जो सत्संग है यही नामदान है। अगर कोई अमल करे तो, अगर ना करे तो कुछ फायदा नहीं। पहली शर्त यह है कि वो तुम्हारे जिस्म में है, उसको हासिल करने के लिए ये शर्तें हैं। फिर वो कहते हैं कि जिस्म में तुम्हारे कहाँ है, वो कहते हैं वो जिस्म में तुम्हारे मन में है। मगर उस मन में दाखिल होने से पहले क्या करना चाहिए? करने नो दीदार ये पिंड से न्यारा है, तू हृदय सोच विचार ये अंड मंजारा है। अंड मंजारा मन के अंदर है। आगे हरी निंदा चारो मिथ्या तज सत गुरु सिर धारो। ये चोरी यारी और निंदा छोड़ो, पहली चीजें छुड़ा दी पहले, फिर अंदर जाने के लिए चोरी यारी और मिथ्या, ये जो चीज ठीक नहीं है उसको कबूल मत करो। तब तुम को मालूम होगा कि वो तुम्हारे अंतर है। ये तो कबीर ने कहा है ना। अब मैं अपने जीवन को देखता, मैंने 1905 में नाम लिया, 1916 तक सुबह से लेके शाम तक सुबह रोने के कुछ नहीं बना, ना प्रकाश खुला ना कुछ खुला, सिर्फ एक प्रेम था गुरु महाराज से और कुछ नहीं था। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था, मगर अब मालूम होता है वो क्यों मुझे 1916 तक कुछ नहीं मिला, कि मेरी शादी 13 वर्ष की उम्र में हो गई और 16 साल की उम्र में मैं गृहस्थ में फंसा। तो 1916 तक मैं गृहस्थी बना रहा, तो मैंने काम को नहीं त्यागा, क्रोध को नहीं त्यागा, इस वास्ते मैं नाकामयाब रहा। फिर 1916 में मैं चला गया बसे बगदाद, पहली लड़ाई में वहां 12 साल में रहा सिंगल। मैंने अपने जीवन में बसरा नहीं देखा सारा शहर, बगदाद नहीं देखा सारा शहर। क्यों? वहां खूबसूरती ज्यादा थी, तो मैं डरता था कि कहीं मैं फंस न जाऊं। तो जब वहां आया, वहां मैंने अभ्यास किया, चोरी तो मैं करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि तनख्वाह मिलती थी, अच्छे पैसे मिलते थे, यारी का वहां कोई सवाल नहीं था। तो जब ऐसा किया, पड़ोस को क्या लिखा है, चोरी जारी निंदा चारो मिथ्या तज सत गुरु सिर धारो। अपनी ख्वाहिश न रखना, सतगुरु को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि लड़ाई के मैदान में अपनी इच्छा इस वास्ते कोई नहीं थी कि राशन सरकारी मिलता था, तनख्वाह अलग-अलग मिलती थी, कोई फिक्र नहीं था रोटी का या कुछ का, सिवाय गवर्नमेंट ड्यूटी करने के या अभ्यास करने के मुझे और कोई काम नहीं था। इस वास्ते मैं कामयाब हुआ, इस वास्ते मैं कामयाब हुआ। और ज्ञान खोले पर मैं कैसे चला, समझ कैसे आई, ये आप लोगों की बदौलत है कि जब मैं बगदाद में था तो मैं लड़ाई के मैदान में था, तो मैं टेलीग्राफ इंस्पेक्टर था, दीवानिया हेडक्वार्टर था मिलिट्री का, उसके साथ एक हमीदिया स्टेशन था। रात को दुश्मनों ने हमला करके वो सारे का सारा स्टेशन जला दिया, स्टेशन मास्टर भी मार दिया, कांटे वाले भी मार दिए, एएसएम भी मार दिया। दूसरे दिन सुबह कोई 1000 मिलिट्री के आदमी वहां गए, स्टेशन फिर कायम किया, तंबू लगा दिए, ट्रेंच खोद दी, शाम को सारे वापस चले गए।
मिलिट्री सारी वापस चली गई, सिर्फ 35 आदमी रह गए, 30 और 5। एक उनमें से सूबेदार मेजर था मद्रासी। रात को दुश्मनों ने हमला किया, इन्होंने ट्रेंच में रहे, मैं ट्रेंच में था, कम्युनिकेशन का महकमा मेरे पास था, क्योंकि जो अफसर था मेरा उसने बोला भी, और हमारे पास स्टेशन मास्टर अवेलेबल नहीं है, तुम हिंदुस्तान की स्टेशन मास्टर जानते हो, तुम वहां जाओ। मैं वहां आ गया, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन बन गया। सुबह 5 बजे सूबेदार मेजर जो मद्रासी था वो मेरे पास ट्रेंच में आया, मुझे कहता है क्लियर लाइन मैसेज दे दो हेडक्वार्टर को कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का एम्यूनेशन रह गया है बारूद सिक्का, अगर हमको मदद ना पहुंची तो हम मारे जाएंगे। जान सबको प्यारी होती है, मैं भी घबराया, मैंने वो क्लियर लाइन मैसेज दे दी और 2 तारे लिखी, एक बाप को एक अपने गुरु महाराज को। वो सीनियर इंचार्ज जो दीवानी में था उसको मैंने कहा अगर मैं यहाँ मारा जाऊं तो ये तारे हिंदुस्तान को फेंक देना। उस वक्त गुरु महाराज प्रकट हुए मेरे अंदर, अपने गुरु महाराज। उन्होंने कहा वकील चंद घबराओ मत, सूबेदार को बोल दो कि ये बद्दू लोग अपना मुर्दे ले जाएंगे, तो जब ये फेंसिंग के अंदर आए तब बम मारो, अपना एम्यूनेशन जाया न करो। मैंने ऐसा ही कह दिया। 1 घंटे वो आए बद्दू, ये सर्च लाइट मारते थे ऊपर, तो हम देखते थे बद्दू आते थे, जो मुर्दे उनके पड़े थे उनको ले जाते थे। फिर 5-6 बजे एरोप्लेन ऊपर आ गया, खैर हम बच गए। 3 महीने के बाद हम रिट्रीट हो गए, हार के बगदाद को वापस गए। जब बगदाद वापस गए तो वहाँ 20-25 सत्संगी थे, तो वहाँ उन सत्संगियों ने मुझको एक बड़े सिंहासन पर बैठा कर मेरी आरती करनी शुरू की। मैंने कहा भाई गुरु महाराज जो रहते हैं लाहौर या धाम में, मेरी आरती क्यों करती? तो उन्होंने बोला बाबा जी हमने तुमको फलाई जगह याद किया, हम मुसीबत में थे तो आप आए, आपने ये कहा ये कहा, हम ऐसे जैसे आपने कहा वैसा हमने किया और हम बच गए। अब मैं तो गया नहीं था, मैं तो अपनी मुसीबत में आप था, मैं अपनी मुसीबत में आप था, मैं तो गया नहीं था। तो मेरी आंख खुल गई। जब सत्संग हो रहा था इतने में डाकिया डाक लेके आया, जिसमें दादा दादा की चिट्ठी थी, उसमें लिखा आप है माली बाग लगावे, आप फूल फलवारी, ऐसे ऐसे शब्द थे वेदांत के। तो मुझे ये यकीन हो गया कि जो कुछ किसी को मिलता है वो उसके अपने विश्वास और प्रेम और श्रद्धा के भाव से मिलता है। मेरी श्रद्धा दादा दाद पर थी, जब मुझ पर मुसीबत आई तो वो प्रकट हो गए, और जब दूसरे जो सत्संगी थे उन पर मुसीबत आई वो मुझ पर विश्वास करते थे तो मैं प्रकट हो गया। इसी एक बात को पर्दे में रखकर ये इतने मजहब बन गए, इतने धर्म बन गए, इतने सब बन गए। हर एक आदमी कोई देवी की प्रशंसा करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई राम की करता है, कोई गुरु की करता है। दर हकीकत न कोई बाहर का गुरु मदद करता है, न कोई देवी करती है, न कोई कृष्ण करता है, न कोई, ये सिर्फ तुम्हारा अपना विश्वास काम करता है। इस तजर्बे के ऊपर मैं हमेशा ये कहा करता हूँ सबको कि तुम विश्वास करो एक रूप पर जहाँ तुम्हारा विश्वास होता है। हमारे हिंदुओं में ये नुकसान है, आज देवी को पूजते हैं, कल कृष्ण को पूजते हैं, परशुराम को पूजते हैं, चौथ प्राणी को पूजते हैं। सिखों में भी
आज नानी साहब को पूछते हैं, कल अंगद साहब को, परसों गुरु गोविंद सिंह साहब को, उस जमाने में कोई अली को पूछता है, कोई मोहम्मद को पूछता है, कोई किसी को किसी को। यही वजह है कि हमारी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं होती, हमारे मन में चेताई नहीं आती और हमारे काम पूरे नहीं होते। आप लोग मेरे पास आते हैं, दुनिया में बहुत जाता हूँ, सबको यही कहता हूँ, एक जगह विश्वास रखो और उसको अपने पास समझो। मत समझो गुरु होशियारपुर रहता है या ब्यास रहता है या हमारे पहाड़ पर रहता है या कहीं रहता है। ये दाता मुझे लिखा करते थे 1918 में, मगर मेरी समझ में नहीं आता था। वो लिखा करते थे कि या गुरु जो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास श्वास, गुरुणी कांची, गुरुणी मथुरा, गुरुणी विज कैलाश, ढूंढ अपने हृदय में, वहाँ है उनका बस। तो मैंने क्या ढूंढा, गुरु कहाँ रहता है? मुझे यकीन हो गया ना कि जो रूप मेरे अंदर प्रकट हुआ वो मेरा अपना ही विश्वास था, जिससे उनके अंदर जो फकीर चंद प्रकट हुआ ये उनका अपना विश्वास था। तो दुनिया के कामों में अगर कोई तुम सुख चाहते हो या मदद चाहते हो तो एक इष्ट बना लो अपना। मैं नहीं कहता मेरा बनाओ, जहाँ तुम्हारा दिल जमता है उसको पूर्ण मानो, उसका ध्यान किया करो। वो जो तुम ध्यान करोगे उसका, उस ध्यान के करने से तुम्हारे मनोकामनाएं करीबन करीबन 90-95% पूरी होगी। इसका सबूत मुझको अपनी जिंदगी में मिला। लोग मेरा ध्यान करते हैं अमेरिका में या कहीं या कहीं या कहीं, जो उनकी आस होती है मेरा रूप प्रकट होता है उनके अंदर, उनको बता देता है ये कर जा ये कर जा ये कर जा, या उनके काम पूरे हो जाते हैं और क्रेडिट इज होलीनेस पंडित फकीर चंद को मिलता है। समझ लो मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको, तुम समझ रहे हो क्या नाम है? हर समय आते हो, रुपया या 2 रुपये दे जाते हो, ये नहीं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मगर मैं तुम लोगों की आंखों में मिर्चियां डालना नहीं चाहता। दान की सूरत में, मंदिर की सूरत में जो किसी की मर्जी है दे दे, मगर मैं तुम्हारे लोगों की आंखों में मिर्चियां डालकर आप लोगों से पैसा लेना नहीं चाहता। खुशी के साथ, प्रेम के साथ, चैरिटी के हिसाब से जो जिसकी मर्जी दे, कोई उसमें कोई पाप नहीं। मैं अपने लिए तो देता नहीं, मंदिर के लिए देता हूँ, जो किसी की मर्जी से। तो दूसरी रमेणी में वो कहते हैं कि वो तुम्हारे अंड में है, यानी मन में है। वो क्या चीज है मन में? तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा यकीन है, तुम्हारा फेथ है, तुम्हारा जो कुछ है तुम्हारा अपना ही विश्वास है। मेरे ख्याल में मैंने जो कुछ कहा वो इस तरीके से कहा कि आप समझ जाएं, आप समझ जाएं, आप अपनी करनी अपनी भरनी। आप सत्संग से फायदा यही मिलता है। रामायण में लिखा है, बिन सत्संग बवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी सत्संग में बगैर सत्संग के समझ नहीं आती, मगर ये समझ भी राम की कृपा हो तब आती है। सत्संग हर एक आदमी कराता है करता है, मगर कोई सच्चाई नहीं बयान करता। मैं आप लोगों को गुप्ता साहब को इन्होंने बुलाया, खर्च किया, कार लेके गए लंदन, लंदन से मुझको यहाँ लाए, खाना खिलाते हैं, कोई कभी कोई चीज बनाते हैं, कभी कोई चीज बनाते हैं, कभी कोई चीज बनाते हैं। तो मैं अपने सिर पर एक जिम्मेवारी महसूस करता हूँ, मैं कोई बर्डन अपनी आत्मा पर लेके जाना नहीं चाहता। धोखा देकर आपको 420 करके आपसे ना पैसा लेना चाहता हूँ और ना मान लेना चाहता हूँ, ना इज्जत लेना चाहता हूँ। ज्ञान के दृष्टि से अगर कोई शख्स मेरी मदद करना चाहे मंदिर की, वो कर सकता है, उससे मुझे कोई इनकार नहीं वो, मगर मैं अपने, जब ये मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ है वो मेरे अपने मन के अंदर है,
फिर कबीर कहते हैं जिसको ये यकीन हो गया कि सब कुछ तुम्हारे ही मन के अंदर है, फिर आगे क्या है, जहाँ हमने पहुँचना है वो बोलो। तू सूरत नैन निहा यह अंड के पारा है। ये वो कहते हैं अब पूछोगे सूरत क्या है, आप सोचोगे कि सूरत क्या है, आपको इस बात का तजर्बा नहीं होगा, तो मैंने तो अभ्यास किया, मुझे पता सूरत क्या होते हैं, उन्हें मैं आपको समझा देता हूँ। आप सुपने में कोई चीज देखती हो, गुरु का रूप देखती हो, देवी देखती हो, देखने वाला और चीज है और जो तुमको नजर आता है वो और चीज है, गलत है कि झूठ है? आपने अपने अंदर देवी को देखा, कृष्ण को देखा, गुरु मुझे देखा या किसी और चीज को देखा? देखने वाले तुम्हारे अंदर कोई और चीज है, जो कुछ तुम देख रहे हो वो और चीज है, जो कुछ तुम सुन रहे हो वो और चीज है, और जो सुनने वाला है वो और चीज है। तो वो कहते हैं सुरत नैन निहार, वो जो तवज्जा तुम्हारी अपनी ऐसी है, वो जो चीज है उसकी आंखों से देख, तब तुमको असली और सच्चा ज्ञान मिलेगा और जीवन मरण मुक्ति से तू बरी हो जाएगा। आगे पढ़ो। तू सूरत नैन निहार यह अंड के पारा है, तू हृदय सोच विचार यह देश हमारा है। कौन सा देश हमारा हुआ? पिंड अंड ब्रह्मांड से पारा वो है देश हमारा, जहाँ से हम सब आए हैं। तुम सोचोगे, सोचो मेरी बात को, हम कहाँ से आए हैं, तुम सब कहाँ से आए हो? अरे माँ के पेट से ही पैदा हुए, और तो कहीं से नहीं आए। तुम्हारा असर जो है एक बीज का कीड़ा है जो बाप के बीज में था, सुपरमेट हो या जन्म, और आज हम 7-7 फुट के जवान हैं, कोई फकीर जन बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कुछ कितना कुछ हमने दुनिया में एक तमाशा बनाया हुआ है, मगर हमारा असर क्या है? बाप के बीज में एक कीड़ा है जो माँ के पेट में आया, फिर जो माँ ने खुराक खाई या वो बच्चा पला और फकीर जन बन गया और लोगों को उपदेश करता फिरता है। अब वो जो तुम्हारे अंदर में बीज का कीड़ा है वो कहाँ से पैदा हुआ, ये एक सवाल है बड़ा भारा, जो सोचने के काबिल है। जिस तरह गंदा पानी होता है उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इस तरह से 40 बूंद खून की आदमी के अंदर होती है, उसका एक बूंद बनता है ओजस का। ये हिंदू शास्त्रों की वैदिक है हिकमत, और 40 बूंद ओजस का एक बूंद बीज बनता है। इसी वजह से हुक्म है कि 24 साल से पहले लड़का को आदमी शादी न कराए, ताकि उसका बीज न जाए, वो पुख्ता हो जाए, और फिर उसके अंदर जन्म आ जाते हैं अपने आप। अब वो जो बीज है वो कहाँ से बना? खून से बना। खून बिल्कुल कोई बीज पूरा पैदा नहीं कर सकता जब तक उसको खुराक न खाए बंदा। कोई खुराक पैदा नहीं हो सकती जिसके ऊपर जब तक सूरज और चांद और सितारों की किरणें नहीं पड़ती। अगर सूरज ना हो तो दुनिया सारी नाश हो जाए, कोई नजदीक ना जाए। इस वजह से हमारा असली जिस्म का रूप क्या है? प्रकाश, नूर, वो उस परमेटोरिया जन्म है। अगर कोई शख्स ये देखना चाहे कि हमारा असली घर क्या है, उसको क्या चाहिए? पहले जिस्म को भूले, फिर मन को भूले, फिर वो जो चीज तुम्हारे अंदर है उस चीज को देख लिया, फिर उसको देखे, उसको पहचाने के वो क्या है।
ये है सच्चाई। लाख तुम किसी गुरु के पैर धोधो के पी लो, विश्वास से श्रद्धा से जो कुछ तुम जो दोगे तुमको मिलेगा। ये कुदरती, गाली दोगे गाली मिलेगी, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, जो कुछ दोगे वो मिलेगा। इस वास्ते संतों के मार्ग में हमारा घर जो है वो बड़ा ऊंचा है, जहाँ से हम आए हैं और हमने वहाँ जाना है। और अगर और बहुत ही के समझना चाहते हो, आप पढ़े लिखे आदमी हो, ये सारा दुनिया इलेक्ट्रिसिटी की बनी हुई है, एनर्जी है। तुम बैटरी लो, बैटरी में EMF होता है, इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स, और एक करंट होती है और एक रेजिस्टेंस होती है। तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो क्या है, जो दुनिया की ख्वाहिशात हैं, दुनिया के जो झगड़े हैं, इस दुनिया के जो विपत्तियां हैं, ये तो है रेजिस्टेंस। और जो हमारा मन थिंक करता है, ये बने वो बने, जिस तरह से बिजली लैंप चलाती है, रेडियो चला रही है, वो चलाए, इस तरह से हमारा मन सारा काम करता है। और हम वो करंट है, हम आए कहाँ से हैं, इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स से, वो है लाइट एंड शब्द। क्योंकि लाइट कभी पैदा नहीं होती जब तक कोई चीज हरकत में ना आए या किसी के साथ ठोकर न लगे। तो हमारा आज जो है वो लाइट एंड साउंड है। इस वास्ते संतों के मार्ग में सुरत शब्द योग है, इसको नाम कहा जाता है। दुनिया ने सिर्फ ये समझा हुआ है, किसी ने बता दिया राम राम जपा कर, किसी ने कह दिया अल्लाह अल्लाह जपा कर, किसी ने कह दिया पांच राम जपा कर, किसी ने कह दिया राधा स्वामी जपा कर। ये मैं नहीं कहता कि ये गलत है, ये भी ठीक है। इनके लिए जिस तरह ये बच्चे हैं, हम स्कूल भेजते हैं, इनको पहाड़े जुबानी याद कराते हैं, दो दूने चार, तीन दूने छह, चार दूने आठ, बारह बारियां चौतालीस। उस वक्त इनको पता नहीं कि बारह बारियां चौतालीस, 144 कैसे हुए, मगर ये जुबानी याद करते हैं। इस वास्ते ये स्मरण ध्यान जो है ये भी एक किस्म के बच्चों के पहाड़े हैं। असली नाम जो है वो है इस मन के परे जाना। मैं नहीं जा सकता था, मैं नहीं जा सकता था, तो जब मैं दाता से बहुत प्रेम करता था, उस वक्त वो मुझे लिखते हैं, वो सब सुनाओ कहाँ है वो नहीं हो गया दाता ज्यादा शब्द से फकीरा तू भक्तू भरमा भकीर क्यों भरमा भकीर कहे दीवाना हो गया। जब मैं दाता दयाल से आजाद प्रेम करता हूँ, जैसे ये सरदार मैं से प्रेम करता है, ऐसे ही जब मैं प्रेम करता था गुरु महाराज से, तो मुझे क्या कहते हैं, क्यों भरमा भकीर क्यों भरमा भकीर कहे बवाना हो गया। तुमने पढ़ा था ना? हाँ जी, वो फकीर बा। हाँ फकीर बा। सोच समझ। हाँ यही समझ कर रहे हैं, यही पढ़ रहे देता हूँ। ये तो फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, ये और है। हाँ। ये और तुमने अभी जो पढ़ के सुना, अभी सुनाता हूँ। कौन सी है? 53 सफा जी। बोलो, मैं आप लोगों को सत्संग करा देता हूँ, ठीक है? हाँ जी, बोलो। काहे बोराना आए फकीरवा। ये उस वक्त का लिखा हुआ है जब मैं गुरु महाराज से पूरा प्रेम करता था। लोग मेरे पास आते हैं, हम कुछ मांगते हैं,
हम जाते थे देने के लिए सोने के तार चांदी के हुक्के रेशम के कपड़े ये सब देने के लिए जाते थे तो जब हमारी ये मेरी ये आदत थी तो उस वक्त मुझको ये लिखते हैं हाँ तू पागल हो गया बोरा अब तुम सोचो हाय का लफ्ज कब कहा जाता है जब कोई मरा हुआ हो या बहुत बड़ा भारी नुकसान है तो मेरा उनसे जो ज्यादा प्रेम था उसको वो हाय कहते हैं कि क्यों पागल हो गया फकीर चंद पर कहे बोरा ना हाय बोरा गट में मालक जाना भया दीवाना तेरे गट में मालक जाना भया दीवाना हाय फकीरवा काहे बोरा कहते हैं जब मैं उनसे ज्यादा प्रेम तू किस बात से पागल हो गया है जो कुछ है वो तेरे घट में है गुप्ता तुमने मुझे बुलाया मैं चाहता हूँ कि मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम किसी दूसरे के मोहताज न बनो थे बार बार किसी दूसरे गुरुओं को जाकर छोड़ो नहीं तुम्हारे अंतर में है और वो लफ्ज हाय इस्तेमाल करते हैं तुमको पता है हाय हाय जनानियां पिड़तियां ना पिड़तियां हाय 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 कर दिया ना जब कोई मर जाता है या कोई नुकसान हो जाता है उस वक्त ये सब हाय हाय करते हैं तो वो मेरे उस काम को कहते हैं कि तू हाय तू गलती पर है मुझे कहते हैं आगे जाकी चाह में खोजत डोले जाकी चाह में खोजत डोले मन में समाना हाय फकीरवा काहे बोरा ना हाय फकीरवा ये गुप्ता जी मैं आपको समझा रहा हूँ या सरदार को समझा रहा हूँ पागल मत बनो खुशी से प्रेम से मोहब्बत से जो तुम्हारी मर्जी है दो इसकी मैं परवाह नहीं करता मगर मैं तुम लोगों की आंखों में मिर्चियां डालकर तुम लोगों से पैसे ले जाना नहीं चाहता चंद दिन की जिंदगी है मर जाना है मेरे कर्मों ने मेरे साथ देखा ना आज वो आया था जिसका वो उसका कर्म ही है ना कोई दुख आता है सुख आता है हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है ये बीमार रहता है इसको अपने कर्मों का फल मिलता है हाँ जी आगे तीरत वरत सभी तेरे भीतर तीरत वरत सभी तेरे भीतर नहीं कहीं जाना फकीरवा काए बोराना आए फकीरवा राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी नित गुण गाना हे फकीरवा काहे बोरा ना हाए फकीरवा अब आप समझ गए तुम भी समझ गए हो तुम भी समझ गए हो बाकी सज्जन आप आए ये अपनी बुद्धि के अनुसार आप समझे जो कुछ है गुप्ता वो तेरे दिल के अंदर है बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि वो तुमको बाहर मुखी से अंतर्मुखी बना दे या जिस तरह से
संत उठावे जीवन भार, संत जीवों का भार उठाते हैं। दुनिया ने ये समझा हुआ उनके कर्म ले लेते हैं। जीवन भार की जितना माँ है, छोटा बच्चा होता है, वो हर वक्त उस पर नजर रखती है, कहीं आग में न गिर जाए, कहीं काचू में उंगली न काटे, कहीं गिर ना जाए, रखती है रखती नजर रखती। तो वो है माँ बच्चे का पार उठाती है, यानी चेला गलती करता है उसको समझ नहीं आती, उसको समझाता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम समझते हो लड़कियों सारे, तो माँ बाप के कहे पर चला करो, अपनी मर्जी करने से कुछ फायदा नहीं। आगे वही पढ़ो तो सुरत निहार। तो मैंने आपको बोला कि सुरत से निहारो, ये काम मुश्किल है। क्यों? आप लोगों के लिए मुश्किल है। क्यों? नाम उनको मिलना चाहिए विषयों से जो होए उदासा, परमारस की जा मन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साथ गुरु जागे। उनके लिए नाम है। आजकल हम गुरुओं ने जो भी आया उसको नाम, और उसे समझिए हम नाम ले लिए, हम तर गए। अरे इस तरह से नाम लेने से तर नहीं सकता जब तक इंसान ये शर्तें पूरी न करे जो कबीर साहब की बातें मैंने आपको पहले भी सुनाई हैं, अब भी सुना रहा हूँ। मगर चूंकि ये मुश्किल काम है, आप लोग उसके अधिकारी भी नहीं है, आप दुनियादार हैं, आपको दुनिया की बातें मैं बता देता हूँ। दुनिया में जो कुछ हमको तुमको मिलता है ये हमारा कर्म है। आप उसका सबूत मांगोगे, मैं तुमको दुनिया का सबूत देता हूँ। तुम रात को सपने में चले जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मारते हो तुम्हारा हाथ हिलता है, किसी को ठुड्डा मारते हो तुम्हारा पांव हिलता है, तुम को खौफनाक सीन देखते हो तुम्हारी जबान बड़बड़ाती है, औरतों का मुझे पता नहीं तुम मर्द हो, एक ख्याली औरत अपने दिमाग के अंदर बना लेते हो, तुम्हारा बीरज बार हो जाता है। वो जो सपने के ख्यालात हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे अपने बस के नहीं हैं। जिस किस्म के सबकॉन्शियस माइंड पर चित्र गुप्त पड़े हुए हैं, वो शक्ने बनाकर तुम्हारे सामने आते हैं। तो जब जो ख्याल तुम सपने में करते हो वो तुम्हारे बस में नहीं है, तो जो चीज तुम्हारे बस में है, तुम जागृत में जो कुछ करते हो उसका असर तुम्हारे जिस्म पर क्यों ना पड़ेगा? किसी की हम निंदा करते हैं, किसी की हम बुराई करते हैं, कोई लड़का माँ बाप का कहा नहीं मानता, कोई भाई भाई से दुश्मनी है, किसी का औरत खावंद की नहीं बनती, ये है वो है, आप कैसे बच सकते हैं अपने कर्मों से? क्योंकि ख्याल जो है ये एक ताकत रखता है। मैंने आपको सबूत दे दिया कि सपने का ख्याल जो तुम्हारी अपनी मर्जी में नहीं है, विल नहीं है तुम्हारी, जब उसका असर तुम्हारे जिस्म पर बढ़ता है, जो कुछ हम जिंदगी में काम करते हैं इसका असर क्यों ना पड़ेगा? तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगा, बीमारी भी आएगी, दुख भी होगा, सब कुछ होगा। और न्यूटन की थ्योरी सुन लो, न्यूटन ने थ्योरी निकाली है कि जहाँ हाथ हिलाता है आदमी, उसकी हरकत जहाँ से निकलती है वो सितारों तक जाती है, वहां से फिर वहीं वापस आती है जहां से हरकत निकलती है। उसने ग्रास मैटर के मतलब जिक्र किया। हम ख्यालात करते हैं, ये सबटल मैटर है। जैसा तुम ख्याल करोगे वैसे ख्यालात तुम्हारे दिमाग से निकलकर सितारों तक जाएंगे, फिर वो वापस आएंगे। अब अगर तुम शरीर पहले छोड़ गए तो वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म बन जाएंगे, तुमको उसका दुख और सुख भोगना पड़ेगा, तुम बच कैसे सकते हो? सत्संग की यही महिमा है कि तुमको सच्चाई बयान कर दी जाए।
इस वास्ते वेद कहते हैं शिव संकल्पम अस्तु, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। और इसी असूल के मुताबिक हमारी ड्यूटी है औरत की ड्यूटी खावन के मुतालिक, खावन की ड्यूटी औरत के मुतालिक, बाप की ड्यूटी बेटे के मुतालिक, बेटे की ड्यूटी बाप के मुतालिक, हर शख्स का अपना अपना फर्ज है ताकि ख्यालात इंसान के शुद्ध रहें, ताकि उसकी जो कला है उसकी उसको सलाह मिलेगी। और उसको सबसे बड़ी सलाह ये मिलती है या उसके खावन को कुछ हो जाए या उसके बच्चों को कुछ हो जाए। मैं ठहरा रेलवे मंडी में मकान बना रहा था, मकान का नक्शा बन रहा था, मेरा जुआई आ गया, उसने नक्शा देखा, उसने बोला ऐसा मकान बनाओ आपके दो लड़के हैं बराबर 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 बांट रहे। मैंने कहा तुम ये शुक्र करो कि एक बच जाए। मैं ये कह के चला गया फरीदकोट स्टेशन मास्टर था, दूसरा मेरा दोस्त था उसको पैसे ले गया भी तू मकान बना ले। उसने मकान बना लिया, लड़का वहाँ बीमार हुआ। मैं जो शिवचरण दास फरीद महाराजा फरीदकोट का डॉक्टर था उसको बुलाया, 10 रुपए फीस दी। मैंने कहा लड़का बीमार है, कुछ ऐसा मामूली मलेरिया ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अगर तुम ठीक कर दो तो जो कहो मैं तुमको दूंगा। उसने बोला आपका स्टेशन मास्टर साहब दिमाग ठीक है मगर ठीक है। मैंने क्यों कहा, सिर्फ औरत के ख्यालात को देखकर मैंने जज किया कि औरत को सबसे बड़ी सजा यही है या उसके बच्चों को कुछ हो जाए या उसके खावन में कुछ हो जाए। मैंने कहा इसको सजा मिलेगी। लड़का मेरा मर गया, 2 साल मेरी औरत रोती है। ये मैं आपको अपनी जिंदगी के तजर्बे बताता हूँ, इस वास्ते बार बार कहता हूँ कि घरों में शांति रखा करो, जहाँ तक शांति हो वहाँ तक बड़ा अच्छा। जिस घर में कला है वहाँ, हमारे पंजाब में कहानी है, जिस घर कला है करंतर वसे उस घर घरों पानी नशे। मैंने आजमाए हुए हैं, मेरी सारी सी सखी वो मेरे ताए के लड़के को ब्याही हुई थी, उसकी और उसकी माँ सास की आपस में बनी है। मैं जाता कई दफा ब्रह्मी को बोलता, ब्रह्मी है आदमी बन जाओ, तुझे आपस से लड़े न करो तो अक्षय हो गए, मगर सुनता काम था, ढका पड़ा जो कुछ घर में था सब चला गया। खामन 5 साल दमे की बीमारी से बीमार रह के मर गया, आप चीबी से मर गई। एक मसाल हो, मैंने अपने घर की मसाले दी, दूसरे को मसाले दूंगा तो बड़ा। एक और आदमी था मेरा मित्र था बसेर फरदार का, उसकी वाइफ की और उसकी नूह की नहीं बनी, तो कभी उसने मेरे साथ बात करनी, यार दोस्त था, अपने घर के दुखड़े सुनाने, तो मैं कहना भाई पुरुषोत्तम दास तेरे पर मुसीबत आएगी कोई। वो भी एक ही बाप का लड़का था, उसका भी एक ही लड़का था, एक ही पोता था, पोता मर गया। मेरे पास आया, मैंने कहा भाई जो होना था हो गया, ये सब जो कुछ तुम्हारे और हमारे साथ होता है, तुम बीमार हो या वो आदमी जो आया, ये हमारे और तुम्हारे कर्म हैं, इसलिए अपने कर्म को ठीक करो। कर्म को ठीक करने का सबसे बेहतर इलाज यह है कि अपनी नीयत को साफ रखो। अपनी जाती गरज के लिए किसी के साथ हेरा फेरी धोखा फेरी चार चुबी मत करो। मैंने जो समझा है मैं वो कहता हूँ, मगर ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ दिस इज फाइनल। जहाँ लाखों मेरे जैसे फकीर कुत्ते आए पांव पांव के चले गए, दुनिया जैसी थी वैसी रही, जिन्हें के भाग में था उन्होंने बात को समझा। अवतार आए, संत आए, महात्मा आए, जिन्होंने उनकी बात को माना समझा वो तर गए, और जिन्होंने नहीं माना वो डूब गए। क्या टाइम हुआ? 9 बज गए जी। कितने बजे शुरू किया था? 8 बजे। 1 घंटा हो गया। तो मैंने आपको समझाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं,
खासकर गुप्ता जी को और उनको, कौन ऐसा आदमी है जो ऐसे आदमी से प्रेम न करे जो इतने पैसे बेच जाए। मगर ये नहीं मैं कहता कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मगर मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता, न प्रेम करना चाहता हूँ, न किसी को अज्ञान में रखना चाहता हूँ। सच्चाई बयान कर देता हूँ कि मेरी समझ में ये बात आई है। मेरी अपनी औरत थी, देवर ने कुछ बात कही उसको नहीं भूलती थी, सास ने कुछ बात कही उसको नहीं भूलती थी, सौरे ने कोई बात कही नहीं भूलती थी, मैंने कोई कही उसने नहीं भूलना। तो मैं उसको हंसा करता था, मैंने कहा भागवती तेरा दिल साफ नहीं है, तू वो मुंह से कहती क्यों, दिल में कुर्सी रहती, तेरा अंजाम जिंदगी खराब होगा। और वही हुआ महाराज, 6.5 साल चार पाई पर पड़ी रही। ये मेरे अपने जाती जिंदगी के तजर्बे हैं। मैंने बड़े बड़े संतों के हाल देखे हैं, दे डाइड मिजरेबल डेथ, और मुझे ये वहम है कि इन्होंने पब्लिक को साफ नहीं कहा, अपने मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने डेरों के लिए हेरा फेरी करके लोगों को अपने पीछे लगा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ, शायद मैं गलत हूँ, मैं डर गया हूँ। देखो तुमको बात सच्ची कहता हूँ, जो कुछ तुमको मिलना है तुम्हारे अपने विश्वास, तुम्हारे अपने कर्म, तुम्हारे अपनी नीयत, तुम्हारे अपने ख्याल का फल मिलना है। मेरे गुरु महाराज थे, उनका भाई सट्टा करता था, उन्होंने अपना रुपया भी गुवाया, दाता दाल का भी गुवाया। अगर दाता दाल में ताकत होती तो उसके ख्याल को बदल देते। बदलता वो है जिसे बदलना होता है, इसलिए संत फकीर अपने में को ऐब लगाते हैं कि हर एक शख्स उनके पास आके उनको तंग न करे, वो ऐब लगा देते हैं अपने पास इरादतन, ताकि हर एक आदमी उनको तंग न करे। तो आप लोग आए हैं, मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया, अब मैं सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। शुभ भावना देता, तुम विश्वास करो कि जिस गर्ज को लेकर तुम मेरे पास आए हो तुम्हारी गर्ज पूरी होगी, जितना खेल है सब तुम्हारे विश्वास का। मैंने आज उस आदमी के पाप लिए, आगे भी मैंने 3-4 आदमी के पाप लिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने विश्वास कर लिया कि हमने पाप सारे बाबे को दे दिए, वो राजी हो गए। हमेशा विश्वास रखो, मालिक हर एक का है, उसका कोई नाम नहीं, यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, कोई नहीं, सब इंसान है। ये हमारे अकल ने बंडियां डाली हुई हैं, ये गुप्ता है, ये फलाना है, ये ब्राह्मण है, ये अंग्रेज है, ये फलाना है, ये सिंगर है, ये सिंगर है, ये सभ्यता ऐसी बन गई हुई है जिसने रिवाइव कर लिया। संत दुनिया में आते हैं टू यूनाइट ह्यूमैनिटी, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्स कमिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू यूनाइट द मैन, और जो शख्स यूनाइट नहीं करते ये अपने आप को गुरु कहें या कुछ कहें, मैं इनको गुरु नहीं मानता ना, ये अपने मतलब के लिए बातें करते हैं, अपने गर्ज के लिए बातें करते हैं। मैंने बहुत कुछ आपको आज कह दिया, सबको ज्यादा सुन प्रसाद दे दो, मिल रहे हो।